की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक स्टोरेज के बारे में। अगर आप फेसबुक स्टोरेज को हाइड करना चाहते हैं, या आप कुछ फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं, या आप कुछ रिलेटिव को दिखाना चाहते हैं, तो उसको कैसे दिखा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में यही सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक फेसबुक स्टोरी लगाए हुए हैं, तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के लिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरी को हाइड करना है, या आपको कुछ फ्रेंड्स को दिखाना है, तो उसके लिए यहाँ पर जो 3 डॉट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, और ऊपर में सबसे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट स्टोरी प्राइवेसी, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर कह रहा है हु कैन सी योर स्टोरी, आप अपना फेसबुक का स्टोरी किस किस को दिखाना चाहते हैं। और नीचे में एक ऑप्शन यहाँ पर जो मेन है वह दिया गया है, अगर आप फेसबुक पे कोई भी लाइव वीडियो करते हैं और उस वीडियो को आप फेसबुक स्टोरी में लगाते हैं, तो उस वीडियो पर यह नियम अप्लाई नहीं होगा, केवल उसको छोड़ के। तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है पब्लिक का, तो चलिए सबको हम बारी बारी से समझाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है पब्लिक का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनीवन ऑन फेसबुक और मैसेंजर। यहाँ पर जैसे ही पब्लिक पे क्लिक कीजिएगा, तो जो भी फेसबुक या मैसेंजर के लोग होंगे, वो सारे लोगों को आपका स्टोरी दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही फ्रेंड्स पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको नीचे में एक लिखा मिलेगा ओनली योर फेसबुक फ्रेंड्स, तो यह केवल जो भी आपके फेसबुक फ्रेंड होंगे वही उसी को केवल यह दिखाई देगा। और उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिया है कस्टम का, तो चूज पीपल टू शो योर स्टोरी। यहाँ पर आप जिस जिस फ्रेंड को चूज करेंगे उसी को केवल यह स्टोरी दिखाई देगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसको बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कस्टम पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपके सामने आपके जो भी फेसबुक फ्रेंड होंगे चले आएंगे, और यहाँ पर आपको कनेक्शंस दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर जो भी हमारे फेसबुक फ्रेंड है, आपको जिसको दिखाना हो सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको जो भी फ्रेंड को मन चाहे फ्रेंड को दिखाना हो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, या आप जिस भी फ्रेंड के नाम से उसको नाम से सर्च करके उसको खोजना चाहते हैं और उसको टिक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सर्च करके उसको टिक कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर अभी हम नहीं लगाने वाले हैं, किसी भी फ्रेंड को यहाँ पर नहीं दिखाने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल इसको हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, और बैक करने के बाद यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे में एक और ऑप्शन मिलेगा हाइड स्टोरी फ्रॉम। यहाँ पर आप जिस फ्रेंड को नहीं दिखाना चाहते हैं उनको यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने के लिए यहाँ पर आपको एरो पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी आपका फेसबुक फ्रेंड होगा सारे चलाएंगे, तो यहाँ पर आपको जिस फ्रेंड को अपना स्टोरी नहीं दिखाना हो उसको यहाँ से आपको टिक कर देना है, तो उसके लिए यह स्टोरी हाइड हो जाएगा, और उनको यह आप जो आप स्टोरी लगाए हुए हैं यह उनको नहीं दिखाएगा। तो चलिए यहाँ पर बैक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका जो भी यहाँ पर ऑप्शन हो, आपको जहाँ भी जिसको भी दिखाना हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सभी लोगों को दिखाने वाले हैं, तो चलिए हम पब्लिक पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद हम चेंज पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेंज हो गया है। तो आप भी अपने फेसबुक पर इसी तरह से अपने फेसबुक स्टोरी को जिसको दिखाना हो उसको दिखा सकते हैं, और यह सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो अपन वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।